Good morning, my dear student. Today we are going to read your chapter 3, Ruling the Countryside. Dear student, we have discussed your previous chapter, From Trading to Territory. In this chapter, we have discussed that how Britishers possessed on Indian territory, how they regulate their administration, and how they set him as a profitable condition. We have discussed the various topic in our that chapter. Today we will read Ruling the Countryside. But before we start this chapter, I would like to recall your last point where we end your second chapter. We have discussed about Battle of Buxar, and we discussed about that what happened in Battle of Buxar, 22nd October 1764, Hector Munro के नेतृत्व में मुनरो और ब्रिटिश आर्मी की सेना ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेना अलायंस आर्मी को पराजित कर दिया, हरा दिया, और जिसका फल हुआ, जिसका रिजल्ट आया कि अंग्रेजों को अनचाहे में ही नॉर्थ इंडिया की पूरा राज्य उनके कब्जे में आ गया। अब उन्होंने इस बक्सर के युद्ध के फलस्वरूप जो फायदे उठाए, उसका इतिहास में बड़ा महत्व था। बैटेला प्लासी तो एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर अगर बात रियलिटी की करें तो अंग्रेजों ने अपने को प्रूफ किया इंडिया में इस युद्ध से। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में ब्रिटिश सत्ता वास्तविक रूप से स्थापित हुई। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई और उसके बाद बंगाल का नवाब नजमुद्दौला को बना दिया गया। 1765 की डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डेट फॉर यू टू लर्न, बिकॉज पर्टिकुलर डेट देर आर सो मेनी चेंजेस introduced in Indian politics during that time. 1765 मीर जाफर की मृत्यु, नजमुद्दौला को गवर्नर बनाया गया। नजमुद्दौला अल्पवयस्क था, छोटा था, बच्चा था, और यहीं से अंग्रेजों ने तय किया कि अब वो दीवानी का अधिकार अपने हाथ में लेंगे, अब वो भारत के ऊपर, नॉर्थ इंडिया के ऊपर शासन करने का राइट्स अपने पास लेंगे। और यहीं पे उन्होंने दो संधि की, बैटल ऑफ बक्सर के बाद पहली संधि 12 अगस्त 1765, यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड से हुई। इस संधि में शाह आलम सेकेंड को बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव ने हस्ताक्षर किए सिग्नेचर पे, और इसमें कुछ संधि की शर्तें तय कर दी गई। बंगाल के सम्राट शाह आलम द्वितीय को 12 अगस्त में एक फरमान के जरिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। इट मीन्स बंगाल के सम्राट ने
एक आदेश पारित किया और उस आदेश में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया। संधि की दूसरी शर्त थी सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से दो जिले इलाहाबाद और कड़ा लेकर के मुगल सम्राट को दे दिए। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए 26 लाख रुपए एनुअल पेंशन के रूप में दिए जाएंगे ये तय किया गया। और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने उत्तरी सरकार की जागीर मिल गई। इस तरह से ये एक बड़ा लाभ था अंग्रेजों के लिए। बैटल ऑफ बक्सर की जो दूसरी संधि हुई इलाहाबाद की संधि सेकेंड, उसमें 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से की। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच संधि की शर्तें तय हुई। संधि की शर्तें थीं अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल जाएंगे। इट मीन्स अवध से दो जिले निकाले गए इलाहाबाद और कड़ा। हमने देखा कि किस तरीके से ये दोनों जिले मुगल सम्राट को दे दिए गए थे। मतलब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको ये दिखाई देगा कि अंग्रेज कुछ नहीं कर रहे, इनके राज्य से थोड़ा निकाल के उनको दे दे रहे हैं और उनके राज्य से पूरा लाभ अपने ले ले रहे हैं। हर तरह से अंग्रेजों का ही फायदा था। संधि की दूसरी शर्त में कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुए। यहाँ पे सेकेंड शर्त देखिए, कंपनी को 50 लाख रुपए मिल रहे हैं और चुनार का दुर्ग भी। ये 50 लाख रुपए कंपनी अवध से प्राप्त कर रहे हैं और 26 लाख रुपए पेंशन वो मुगल सम्राट को दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी कंपनी फायदे में थी। तीसरी, वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षता में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दे दिया गया, परंतु यह राज्य अवध के अधीन माना जाएगा। इट मीन्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को उन्होंने एक बार फिर खेल दिया। राजा बलवंत सिंह को वाराणसी और गाजीपुर का क्षेत्र दे दिया। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त कर ली। अवध में सेना भी रखी और वो सेने के खर्च अवध को उठाना पड़ा। इस तरीके से ये दोनों शर्तें अंग्रेजों के फायदे के लिए थी। अंग्रेजों ने इसमें पूरा फायदा उठाया। अब यहीं से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है। द कंपनी बिकेम द दीवान ऑन द 12th अगस्त 1765। द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल ऑन द बिहाफ ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट 12 अगस्त 1765। यहाँ पे वही चीज़ जो हमने रिपीट की 12 अगस्त 1765 की, जो बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, पहली संधि, बंगाल की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुगल सम्राट शाहआलम से, मुगल सम्राट शाहआलम ने यहाँ बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दे दी। यही कह रहा है कि अंडर 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली लुक टूक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव टेंट। नो डाउट ये घटना बहुत ही छोटे में हुई होगी, बहुत ही आसानी से हुई होगी। इसीलिए तत्कालीन एक हिस्टोरियन गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक में लिखा, सियारुल मुतखरेन उसकी बुक का नाम था, उसमें वो लिखता है कि संधि की शर्तों को तय करने में उतना ही समय लगा जितना कि एक गधा खरीदने में लगता है। सुनने में थोड़ा फनी ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बात सियारुल मुतखरेन में गुलाम हुसैन लिख रहा था। इसीलिए आपका बुक भी लिखता है कि इस ट्रीटी को तय करने में क्लाइव के टेंट में कुछ लोग ही रहे होंगे, उनके सामने ये संधि तय की शर्तें तय की गई होंगी। बट इन द पेंटिंग विच शोन ऑन योर बुक ऑन योर फर्स्ट पेज, आप देखिए उस पर एक पेंटिंग दिखाई गई है जहाँ पे मुगल एम्परर बैठा हुआ है, उसके सामने दो अंग्रेज अफसर खड़े हुए हैं और कोर्ट में कुछ लोग खड़े हुए हैं। संधि की शर्तें सुनाई जा रही हैं और उस पर सहमति व्यक्त कर दी गई। तो ये चीज़ें इतनी आसानी से तय कर लिया अंग्रेज़ों ने
जिसकी उन्हें आशा भी नहीं थी। अब दीवानी उनके हाथ में आ चुकी थी। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड द ऑर्गेनाइजेशन इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेस। दिस हैड टू बी डन इन वे नॉट द कुड यील्ड इनफ। कंपनी हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाई द प्रोडक्ट इट हैड नीडेड टू सेल वाट इट वॉन्टेड। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों के मुख्य शासक बन गए थे। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिसमें कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करें, उसके लिए आमदनी जुटाए और साथ ही साथ व्यापारिक कंपनी के नाते यह भी ख्याल रखा कि वो जो चीज़ें खरीदती है और बेचती है समय के साथ साथ कंपनी को उसका लाभ भी मिलता रहे। ये बात कंपनी भली प्रकार से समझ चुके थे। उसने लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे में जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। बात करती है अंग्रेज़ों छोटे छोटे शासकों की, राजाओं की, जो कंपनी की दीवानी उनके हाथ में आने के बाद अभी भी उनको उनके क्षेत्र में सम्मान प्राप्त था। उनको वो अधिकार प्राप्त था उनके क्षेत्र में जो एक राजा को मिले थे और जो अंग्रेज़ों के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, इसीलिए वो उनको संतुष्ट रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से कंपनी ने बंगाल में द्वैत शासन इम्प्लीमेंट कर दिया। द्वैत शासन ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन जो 1765 टू 1772 तक चला। अब इस चीज को आपके बुक में देखते हैं क्या लिखा है। कहता है ओवर द ईयर द कंपनी आल्सो लर्न्ड दैट इट हैड टू मूव विथ सम कासन बीइंग एन एलियन पावर इट नीडेड अ पेसिफाई दोज हु इन द पोस्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड्स एंड एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू द कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। वही चीज़ें जो हमने आपको बताई समझाई कि वो छोटे शासक जिनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता था, उनके अपने सम्मान अभी थे, उनको भी शांत करना था, संतुष्ट करना था, और इसलिए कंपनी ने बड़ी चतुराई के साथ इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। यह काम कैसे हो रहा था इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों में उपनिवेश कैसे बनाए, आय के संसाधन कैसे जुटाए और लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। इन्हीं चीज़ों पे आपका ये पूरा चैप्टर बेस्ड है और इन्हीं चीज़ों में हम देखेंगे कि बंगाल में उसने किस तरीके से ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कराया। माय डियर स्टूडेंट, 1765 के बाद और 1772 के बीच बंगाल में द्वैत शासन चला। द्वैत का मतलब होता है दोहरा। द्वैत का मतलब होता है कि शासन जो करे वास्तव में वो शासन ना करे, पीछे से कोई और शासन चलाए। थोड़ा सा समझिएगा, ठीक ऐसे ही
जैसे आपने मूवी देखी होगी, पर्दे पे आपको एक्टर काम करते हुए दिखता है, लेकिन एक्टर से वो काम कौन करा रहा है? पर्दे के पीछे से डायरेक्टर वो काम एक्टर से करा रहा है। ठीक ऐसे ही व्यवस्था उन्होंने बंगाल में कर दी। नए नवाब से एक संधि के द्वारा प्रांत की सुरक्षा फरवरी 1765 में कलकत्ता काउंसिल ने अपने हाथ में ले ली। ध्यान से सुनिए, इन चीज़ों को समझिएगा। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका बेटा नजमुद्दौला नवाब बना। नजमुद्दौला छोटा था, बच्चा था, इसलिए कंपनी ने एक संधि के आधार पर 1765 फरवरी 1765 में एक ट्रीटी की और कलकत्ता काउंसिल ने पूरे राज्य की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। संधि के प्रावधानों के अनुसार एक नायब सूबेदार की नियुक्ति की जाएगी प्रशासनिक व्यवस्था देखने के लिए। नायब सूबेदार की नियुक्ति अंग्रेजों द्वारा की जानी थी और इसीलिए उन्होंने बंगाल में मोहम्मद रजा खान को नायब सूबेदार नियुक्त किया। और संधि की अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार सेना बाहरी संबंध तथा वित्तीय व्यवस्था पर कंपनी का नियंत्रण होगा। ध्यान से सुनिए, संधि में उसने सुरक्षा अपने हाथ में ले ली और वित्तीय व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, मतलब पैसे धन खर्च करने की सारी व्यवस्था। इस तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन स्थापित हो गया। कहने के लिए उन्होंने कहा कि बंगाल में नवाब स्वतंत्र रूप से स्थापित कार्य कर रहा है। नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया। क्लाइव ने अगस्त 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। इन प्रावधानों में शाह आलम को 26 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, अर्थात इन दोनों राशियाँ 26 लाख प्लस 53 लाख 26 लाख प्लस 53 लाख को देने के बाद समस्त भू राजस्व कंपनी के अधिकार में आ गए। क्लाइव ने दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय अपने पास रखे तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय और अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया। कितनी चतुराई के साथ उसने प्रशासन, रेवेन्यू कलेक्शन और दीवानी न्याय अपने पास रखा। दीवानी न्याय इट मीन्स जो भी रेवेन्यू से संबंधित झगड़े होंगे उनका निपटारा खुद करेंगे, राजस्व रेवेन्यू कलेक्शन का काम खुद करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन खुद चलाएंगे और मारपीट के झगड़े उसका न्याय, फौजदारी का न्याय बंगाल के नवाब को दे दिया और बाहरी व्यवस्था बंगाल को दे दी नवाब को। क्लाइव ने प्रशासन का अधिकार तो ले लिया लेकिन उसका उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं स्वीकार की। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया था, इसी को द्वैत शासन कहा गया। अकाउंटेबिलिटी और राइट्स, इन दोनों को अलग अलग करके प्रशासन चलाने की व्यवस्था बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, यही ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। कंपनी ने ताकत तो अपने हाथ में रखी लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार नवाब को दे दिया। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में राजा सिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जगह पर उप नवाब की नियुक्ति कर दी गई, वाइस नवाब अपॉइंट कर दिए गए। और क्लाइव ये समझता था कि इससे सख्ती कंपनी के साथ, कंपनी के पास रहेगी और नवाब केवल सत्ता की छाया रहेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी, ऐसा क्यों कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स, ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स को इस बात का डर था, क्योंकि अभी भी फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी भारत में थी, फ्रांसीसियों से उनको सबसे अधिक डर था, इसीलिए वो डायरेक्ट प्रशासन अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने डिसगाइज एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखा और उन्होंने बंगाल में रजा खान, बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ को अपॉइंट करके ये दिखाने का प्रयास किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का शासन भारतीयों के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। यही ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन की जो चतुर चाल क्लाइव के द्वारा चली गई थी उससे अंग्रेजों के पैर भारत में मजबूती से टिक गए। द्वैत शासन के क्या परिणाम हुए अगर उनको देखेंगे तो उससे देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरी तरीके से ख़राब हो गई, एग्रीकल्चर सिस्टम भी डे बाय डे रूंड हो गई, बर्बाद होने लगी,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरी तरीके से रुक गया। और सबसे बड़ी बात थी कि जो ट्रेडिंग इंडिया के व्यापारी करते थे वो ख़त्म हो गया। इसीलिए प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, ग्रेट हिस्टोरियन, इंडियन हिस्टोरियन के एम पनिक्कर ने इसे डाकुओं का राज्य कहा, स्टेट ऑफ बारबेरियंस। और ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे बेशर्मी की लूट कहा, इस ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन के शासनकाल को। बाद में क्लाइव ने इसमें कुछ सुधार किए, लेकिन वो सुधार पूरी तरीके से सफल ना हो सके। अब इसके बाद आप देखिए किस तरीके से जब रेवेन्यू, जब अंग्रेज पूरी तरीके से बंगाल में आ गए, दीवानी अपने हाथ में ले ली, तो अंग्रेज़ों ने एक नई रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट की, नई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि अब वो डायरेक्ट किसानों से जुड़ना चाह रहे थे। अब वो डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्टर अपॉइंट करके रेवेन्यू कलेक्शन करना चाह रहे थे। अब रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, अगर टॉपिक को आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। कंपनी की आमदनी कैसे होती थी, कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी मानते थे। सबसे बड़ी दुविधा की बात यह थी, कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। इसकी कोशिश यह थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल की कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 के पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी, 1765 के पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी ये आयात करती थी। अब इन चीज़ों के बदले कंपनी ने बड़ी आसानी से बंगाल से ही पैसे निकाले और उसी पैसे से सामान खरीदे और ब्रिटेन से सोना मंगाना बंद कर दिया। ये कितनी फ़ायदेमंद थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि अब वो बाहर से सामान सोना चांदी अपने देश से नहीं मंगा रही थी, वो सारी चीज़ों का खर्च बंगाल से ही निकाल रही थी। जल्दी ही ये बात क्लियर हो गई कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। आर्टिसियंस गाँव छोड़ के भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पे अपनी चीज़ें कंपनी को बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी और 1770 में आए एक अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत को निस्सुला दिया। इस अकाल के लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी कंपनी के कान पर जूं नहीं रेंग रहा था, अभी भी वो लाभ के बारे में ही सोच रही थी। अभी हम जब आपको बताएंगे कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है तो उसे देख के बड़ा दुख होता है। वो कहता है कि मैं जब बंगाल में प्रवेश किया तो मुझे चारों तरफ हड्डियाँ, जानवरों और इंसानों की हड्डियाँ फैली हुई दिखाई दे रही थी। जो बंगाल कभी फसलों से लहलाता था, आज वो मानव और जानवरों की हड्डियों से पूरी तरीके से भरा पड़ा है। ये बात कॉर्नवालिस लिखता है, मतलब इनडायरेक्टली वो इस ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में खुद कहता है। ये बताता है कि किस तरीके से बंगाल को लूटा गया था। अब देखते हैं आपका बुक क्या कहता है। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट इज स्टिल सा इट सेल प्राइमरली एज अ ट्रेडर। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ द असेसमेंट एंड कलेक्शन। वही चीज़ें, कंपनी दीवान बन गई लेकिन वो व्यापारी भी अपने को मानती रही और यह व्यवस्था वो बंगाल में किसी व्यवस्थित नियम को लागू करने में हिचक रही थी। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड बी बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल विद इन 5 ईयर। द वैल्यू ऑफ गुड बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल
बिफोर 1865, यहाँ पे डेट थोड़ी चेंज होनी चाहिए, यहाँ पे बिफोर 1765 होनी चाहिए, क्योंकि 1865 की अगर डेट लेंगे तो हमें रिवोल्ट के बाद के टाइम जानना पड़ेगा, जो काफ़ी बाद की स्थिति आएगी। इसलिए ये मेरे अकॉर्डिंग डेट 1765 होनी चाहिए। द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाई इम्पोर्टेंट गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। नाउ द रेवेन्यू कलेक्शन इन बंगाल कुड फिनेंस द परचेज ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। आर्टिसियंस वर डिजर्टिंग विलेज सिंस दे वर बींग फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू कंपनी एट लो प्राइस। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दे वर बींग डिमांडेड फ्रॉम देम। आर्टिसियन प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स। देन इन 1717 द टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 million पीपल इन बंगाल। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। जो चीज़ें हमने बात की कि बंगाल में भीषण अकाल आए और बंगाल की एक तिहाई जनसंख्या काल के गाल में समा गई, मृत्यु हो गई उनकी, क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के थ्रू यहाँ की व्यापारिक व्यवस्था, यहाँ की कृषि व्यवस्था और यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था, तीनों पे चोट किया और तीनों को पूरी तरीके से बर्बाद किया, नष्ट किया। अब देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है द नीडेड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब ज़रूरत थी खेती के विकास करने की। अब लोगों को ये समझ में आ रहा था कि बिना एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के हमारी जो डिमांड्स हैं, हम भारत से ज़्यादा लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। हमें इंडिया से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए खेती पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये खेती जो बंगाल में सबसे समृद्ध थी और आज बर्बाद हो रही थी। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है, तभी कंपनी अपने लाभ को बराबर बनाए रख पाएगी। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली और आखिरकार कंपनी ने 1793 में एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया। इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम ने बहुत कुछ बदलाव लाया 1823-1822 में। फिर दूसरा लैंड सेटलमेंट आया 1792 में, कुछ क्षेत्रों में लैंड सेटलमेंट बदला, जमींदारी, इस्तमरारी या स्थाई बंदोबस्त, स्थाई परमानेंट सेटलमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल सेटलमेंट्स और इस्तमरारी सेटलमेंट्स 1793 में इंट्रोड्यूस की गई। बाद में रैयत बाड़ी आई 1793 के बाद, आप देखेंगे तो 1792 की रिकॉर्ड्स में आपको मिलेगी। और फिर आपको एक नया सेटलमेंट्स महालवारी दिखेगा। हम तीनों पे बात करेंगे आपके इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, लेकिन आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंड सेटलमेंट पे बात करेंगे, खेती में इनका विकास कैसे हुआ, क्या क्या समस्याएं आई अंग्रेज़ों को और किस तरीके से ब्रिटिशर्स के प्रति आश्वस्त हुए, इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। आपने आज की वीडियो में क्या समझा, आपने आप की वीडियो में देखा किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैरों को जमाने के लिए 1765 बैटल ऑफ बक्सर के बाद दो संधियां करती हैं, इलाहाबाद ट्रीटी, इलाहाबाद ट्रीटी फर्स्ट, मुगल सम्राट, मुगल एम्परर
शाह आलम द्वितीय और इलाहाबाद ट्रीटी सेकेंड अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। वहाँ पे कुछ संधि की शर्तें होती हैं जिस पर चर्चा हमने किया, और फिर हमने देखा कि कंपनी अब एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देती है, उप दीवानों की नियुक्ति बंगाल बिहार उड़ीसा में कर देती है। बंगाल में सिताब राय, बंगाल में मोहम्मद रजा खान, बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति कर दी जाती है। और हमने ये भी देखा कि अब कंपनी सीधे दीवानी अपने हाथ में ले लेती है, राजस्व कलेक्शन का काम अपने हाथ में ले लेती है, और वो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने उसे कहा था कि अब आप भारत के खर्चे अपने बंगाल से ही निकालिए, अपने देश से ही निकालिए, इस कॉलोनी से ही निकालिए, अब बंगाल से कोई पैसा नहीं आएगा। 1865 जो आपके बुक में दिया हुआ है और मेरे अकॉर्डिंग 1765 होना चाहिए कि बाद भारत में ब्रिटेन से कोई सोना या चांदी व्यापार करने के लिए नहीं लाया गया। अब वो सारा पैसा जो व्यापार के लिए चाहिए था कंपनी को, सब बंगाल से ही लिया जा रहा था। इसका मतलब इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि बंगाल को बुरी तरीके से लूटा जा रहा था। बंगाल लूटा गया, बंगाल की स्थिति खराब दिन प्रतिदिन होती गई, और तब कंपनी के अधिकारियों ने सोचा कि जमीन भूमि का सुधार करना पड़ेगा, लैंड को एक फिक्स करना पड़ेगा जिससे रेवेन्यू आती रहे और कंपनी को ज़्यादा दिक्कत ना आए, और उन्होंने कंपनी पे ध्यान दिया। यहीं से लैंड सेटलमेंट व्यवस्था शुरू होगी जो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।